छोटी सी दुकान से 150 करोड़ का कारोबार बना खीर मोहन। तो दोस्तों, इसे जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, गंगापुर सिटी में सबसे पहले खीर मोहन बनाने का श्रेय हाबूलाल हलवाई को जाता है। हाबूलाल अग्रवाल ने करीबन 1950 में खीर मोहन की मिठाई बनाई थी। इसका बेहतरीन स्वाद था, ऐसा स्वाद था कि धीरे धीरे लोगों की जबान पर यह चढ़ने लगा। हाबू हलवाई ने अपनी छोटी सी दुकान पर खीर मोहन बेचकर कई सालों तक एक छत्र राज किया। मिठाई की बढ़ती प्रसिद्धि को देख गंगापुर के दूसरे हलवाइयों ने भी इसे बनाने का तरीका सीखा। धीरे धीरे गंगापुर सिटी के खीर मोहन का जायका पूरे प्रदेश के लोगों तक पहुंचा। एक वक्त ऐसा भी आया जब खीर मोहन पाकिस्तान में भी सप्लाई होने लगा। अस्पताल रोड पर बाबा मिष्ठान भंडार के मोहन लाल ने बताया कि पंजाब में दूध को खीर बोलते हैं। खीर मोहन दूध को फाड़कर बनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम खीर मोहन रखा गया। खीर मोहन की शुरुआत करने वाले हाबू हलवाई तो अब मौजूद नहीं है, उनके पोते राजेंद्र अग्रवाल ही अब खीर मोहन बनाने का कार्य करते हैं। राजेंद्र बताते हैं कि गंगापुर का खीर मोहन लोग सऊदी अरब पाकिस्तान तक अपने रिश्तेदारों के लिए ले जाते हैं। वर्षों पहले खीर मोहन के स्वाद को देखते हुए जयपुर के एक प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडार वालों ने इसे बनाने की कोशिश की, लेकिन जो लज्जत और रवा गंगापुर के खीर मोहन में होता है वो नहीं बना पाए। कारण ये कि गंगापुर का पानी खीर मोहन के स्वाद को बढ़ाता है, ऐसा स्वाद कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस खीर के बहुत दीवाने थे। गंगापुर सिटी में हलवाई की करीबन 250 दुकानें हैं। अनुमान के मुताबिक सभी दुकानों पर 35 से 40 किलो खीर मोहन की बिक्री रोजाना होती है, लेकिन कुछ खास दुकानों पर यह आंकड़ा क्विंटल तक पहुंच जाता है। यहाँ 25 से ज्यादा बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहां करीबन 100 किलो माल रोजाना बनता है। गंगापुर सिटी में 1 किलो खीर मोहन की कीमत 300 रुपए है। यहां से तैयार खीर मोहन जयपुर के महेश नगर, मानसरोवर, प्रताप नगर, जगतपुरा आदि इलाकों में जाता है। यहां 350 रुपए किलो के भाव से बेचे जाते हैं। खीर मोहन के सालाना कारोबार की बात करें तो ये 150 करोड़ से भी ज्यादा का होता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।